नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आपने गांधी जी के तीन बंदर बनकर बताने का प्रयास किया कि सरदार सरोवर परियोजना प्रभावितों को लेकर सरकार का रुख क्या है। आपने आरोप लगाया कि राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए 1,00,000 लोगों को डुबोने की साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार नए मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, चाहे वो मुद्दा किसानों को लेकर हो या जीएसटी को लेकर। इस बार आपने सरदार सरोवर बांध प्रभावितों के मुद्दे को हवा देते हुए सरकार पर हल्ला बोला। आपने गांधी जी के तीन बंदर बनकर बताने का प्रयास किया कि सरकार बांध प्रभावितों की समस्या पर आँख कान और मुँह बंद करते हुए चुप्पी साधे हुए है। बांध की आड़ में बीजेपी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए 1,00,000 लोगों को डुबोने से परहेज नहीं कर रही। आपने सरदार सरोवर बांध प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा देने की मांग की है। सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में इस साल 1,00,000 लोग अभी डूब क्षेत्र में बैठे हैं। उनके लिए पुनर्वास के स्थल की कोई व्यवस्था नहीं। पुनर्वास में न पीने के, न घर बनाने की पानी की व्यवस्था है, न रोड है, न नाली है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 31 जुलाई के पहले इन विस्थापितों को जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होने देगी। पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। वैसे ही पूरे प्रदेश भर में इस पूरे मुद्दे को जन जन तक ले जाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है। आपका कहना है कि बीजेपी सरकार सरदार सरोवर परियोजना के तहत 31 जुलाई तक पानी भरकर लोगों को हटाने की तैयारी कर रही है, जबकि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने बांध प्रभावितों की मुआवजा राशि 5,00,000 प्रति हेक्टर से बढ़ाकर 15,00,000 रुपए करने की बात कही है। बहरहाल एक तरफ सरकार का प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का दावा है, तो दूसरी तरफ विरोधियों का विरोध। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।